हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग यहाँ पे ऐसे बाइक के सब टेक्निकल वीडियोस देखने को मिलेगा। तो गाइस, हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, हम लोग ये सेल्फ रिपेयर करना देखेंगे। अभी देखिए इसमें क्या है, तीन बोल्ट रहता है स्क्रू टाइप का, उसको ओपन करने के बाद ऐसे खींचेंगे तो बाहर निकल जाएगा। फिर हमारा ये जो आर्मेचर है, इसका जो बेरिंग है ना, बेरिंग ज़्यादातर जाम हो जाता है ज़्यादा रनिंग करने की वजह से। तो इसका बेरिंग का कैप को खोल के थोड़ा ग्रीस लगा लेना चाहिए, जैसे कि फ्री रहेगा। और देखिए, इसके अंदर बहुत सारा ब्लैक का कार्बन का जो कचरा रहता है वो भरा हुआ रहता है, इसको अच्छे से साफ करना होगा, ठीक है। और अंदर जो होल रहता है उसमें भी थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे तो और स्मूथ चलेगा। देखिए, ये वाला बेरिंग थोड़ा सा जाम लग रहा है, तो हम लोग उसका ऊपर का कैप को निकाल के थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लेंगे। और यहाँ पे भी जो पीछे वाला पे भी, यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा ग्रीस का लगाएंगे, फिर हमारा सेल्फ आराम से स्मूथली चलता रहेगा, कोई साउंड भी नहीं करेगा। नहीं तो कुछ कुछ सेल्फ होता है ना, कर कर की आवाज़ करता है, वो इसी ग्रीस की कमी की वजह से होता है। और गाइस, हमारे ये कार्बन लगाने के लिए देखिए, इसमें दो बोल्ट दिया गया है, दोनों स्क्रू दिया गया है, और दो स्क्रू को हम लोगों को निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद देखिए, हम यहाँ से थोड़ा सा खींचेंगे तो बाहर निकल जाएगा। बाहर अगर बाहर नहीं निकलता है, थोड़ा सा घुमा के खींचना होगा। देखिए, उसमें होल होता है, उस होल के हिसाब से मैच करना होगा। मैच करने के बाद उसको खींचेंगे तो आराम से बाहर निकल जाएगा। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा देखिए रोटेट किया, फिर इधर से थोड़ा सा पुश करेंगे तो देखिए यहाँ से चला गया अंदर, ठीक है। अभी इसको खींचेंगे तो आराम से निकल आएगा। देखिए गाइस, ये आराम से निकल आया। फिर हम लोग इसको थोड़ा सा रोटेट करके खींच लेंगे, जैसे कि होल का जो मैचिंग है पॉइंट है उसको मैच करना होगा। मैच करके खींचेंगे तो बहुत इजीली बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम दूसरा वाला कार्बन जो नया वाला है, हम लोग भैरव का ज़्यादातर तो यूज करते हैं, क्योंकि भैरव ही जेन्युइन कार्बन रहता है। हीरो का जेन्युइन में भी भैरव ही रहता है, और हंडा भी ज़्यादातर भैरव का ही रहता है सेल्फ, तो भैरव का कार्बन ही सबसे अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। तो गाइस देखिए, यहाँ पे आराम से ऐसे पुश करेंगे, उसका लॉक की जगह पे थोड़ा सा रोटेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। देखिए गाइस, लॉक हो गया। इसके बाद हमारा ये जो पत्ती है वो गिर जाता है पैशन प्रो वाला मॉडल पे, वो नीचे पे जो कार्बन सॉरी सेल्फ का जो बॉडी पे उसका खांचा नहीं दिया होता है, इसलिए हम थोड़ा सा ग्रीस लगा के हम लोग इसको सेट कर लेंगे यहाँ पे, जैसे कि वो गिरे ना, ठीक है। इसके बाद हम इसको आराम से पुश करेंगे तो आराम से चला जाएगा। देखिए गाइस, आराम से चला गया। अभी यहाँ पे देखिए, ये आर्थिंग वाला है, तो इसको हम बॉडी पे वो स्क्रू पे देंगे, आराम से इजीली इसको बैठा के टाइट कर लेना है। बहुत हल्के से टाइट करना है, इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। कुछ कुछ बंदे ज़्यादा टाइट कर लेते हैं, इसके वजह से दोबारा जब खोलते हैं ना तो वो टूटने के बहुत चांस रहता है, इसलिए बहुत हल्के से टाइट करना है, इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और वो जो ब्लैक वाला एक ऊपर से उठा हुआ रहता है, ये देखिए लक के टाइप का, इसके उस तरफ रहना है। तो हम लोग थोड़ा सा लूज करेंगे इसको और ऊपर खींच के इसको आराम से ऐसे बिठा लेंगे। अब ये देखिए, हमारा वो ब्लैक के साइड पर चला गया। अभी हम इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे हुआ, हम टाइट कर लिए हैं। थोड़ा सा स्टार बीट से हम थोड़ा सा टाइट करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और ऐसे ही अर्थिंग वाला को भी हम लोग लगा लेंगे। देखिए, हम अर्थिंग वाला को भी सॉरी, ये जो एक्स्ट्रा एक सपोर्टिंग के लिए वो स्क्रू दिया गया होता है, उसको हम टाइट कर लेंगे। दोनों स्क्रू टाइट होने के बाद देखिए, हम लोग स्प्रिंग को लगाएंगे। स्प्रिंग लगा के हल्के से पुश करना है, और कार्बन को तो ज़्यादा टाइट नहीं रहना चाहिए उसके लॉक में। ज़्यादा टाइट रहेगा तो अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा तो आर्मेचर पर अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर आर्मेचर पर कनेक्ट नहीं होगा तो सेल्फ काम नहीं करेगा गाइस। तो बिल्कुल आराम से फ्रीली चला जाना चाहिए, अंदर नहीं जाएगा तो दिक्कत होगा। गाइस, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए,
जैसे कि आपको नया वीडियोस का अपडेट तुरंत मिलता रहेगा, नया नया कुछ सीखने को भी मिल सकता है आपको। ये देखिए गाइस, हम लोग दोनों तरफ ऐसे कार्बन को पुश करके रखेंगे और फिर हम यहाँ पे आर्मेचर के साथ को डाल देंगे, ठीक है। इससे पहले कि डालेंगे, इससे पहले हम लोग बैरिंग पे थोड़ा सा ग्रीस अप्लाई कर लेंगे। देखिए हम जैसे ग्रीस का थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ग्रीस अप्लाई करने के बाद इजीली पुश कर लेंगे, ठीक है। ग्रीस अच्छे से लगा लेना है, जैसे कि अगर सेल्फ का थोड़ा सा भी नॉइज आ रहा है तो नॉइज भी चला जाएगा। और देखिए हमारा ये कार्बन थोड़ा सा फिसल गया तो बाहर आ गया है, इसका हम अच्छे से सेट कर लेते हैं एक सेकंड। देखिए कैसा भी सेट हो गया है, अंदर की तरफ भी थोड़ा सा ग्रीस अप्लाई कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अंदर भी एक पिनियन टाइप का रहता है तो उसमें भी थोड़ा सा ग्रीस का कहीं पे भी सप्लाई नहीं है, तो अगर वहाँ से लगा लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। फिर हम लोग आर्मेचर को आराम से पुश करेंगे तो चला जाएगा, अगर नहीं जाता है तो थोड़ा सा साइड से हम तो छोटे से स्क्रू ड्राइवर से ऐसे पुश कर लेंगे। देखिए गाइस अभी ये बिल्कुल सेट हो गया है, ठीक है। घुमा के देख लेंगे कि बाहर वाला पिनियन घूम रहा है या नहीं, बाहर वाला, अंदर वाला ज़्यादा जोर से घूमेगा तो बाहर वाला थोड़ा स्लो ही घूमेगा, ठीक है, उससे कोई बात नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि अगर ज़्यादा दोनों समान घूमता है बोल के तो सेम नहीं घूमता है दोनों तरफ, थोड़ा सा बाहर का थोड़ा सा स्लो घूमता है और अंदर वाला थोड़ा सा ज़्यादा घूमता है। तो अभी हम इसका कवर लगाएंगे, कवर लगाने के बाद ध्यान रहे कि ये जो सेल्फ का आर्मेचर लगाए हैं कवर पे मैग्नेट रहता है तो खींच ना ले बाहर की तरफ, इसलिए थोड़ा सा हाथ को लगा के अंदर डाल देंगे और फिर पुश कर लेंगे तो इजीली बैठ जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे तीनों थोड़ा सा हीट करेंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। अभी हम तीनों स्क्रू ड्राइवर से तीनों नट को कस लेंगे। देखिए ये गाइस अभी सेट हो गया है बिल्कुल। अभी हम तीनों स्क्रू ड्राइवर का जो स्क्रू रहता है उसको हम अच्छे से कस लेंगे जो हमने पहले खुला हुआ था। देखिए गाइस हम इसको कस लेते हैं, ये तीनों स्क्रू को बहुत अच्छे से टाइट करना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है या फिर ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि लूज छोड़ेंगे तो वाइब्रेशन पे खुलने का चांस रहता है और ज़्यादा टाइट कर देंगे तो नॉट टूटने का भी चांस रहता है। और अभी हम इसको स्क्रू जो थोड़ा सा छोटा वाला जो स्क्रू रहता है उसको हमने जैसे खोला था वैसे ही डाल देना है और टाइट कर लेना है। इसको भी ज़्यादा टाइट नहीं करना है गाइस, जैसे कि लूज कॉन्टैक्ट ना रहे उतना ही टाइट करना है, ज़्यादा टाइट करेंगे तो फिर ये स्लिप हो जाएगा तो फिर नया केबल लाना पड़ेगा। देखिए हम फिर बैटरी का पॉजिटिव वाला को पॉजिटिव पे कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव वाला को नेगेटिव पे, बॉडी पे कोई कहीं पे भी देने से सेल्फ घूम जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड चेक आउट दिस वीडियोस, थैंक यू।